तो हे गाइस, अगर आप लोग टेलविंड सीएसएस सीखने के सोच रहे हैं और आपको हिंदी में कोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ही सोचा कि क्यों ना आपके लिए कंप्लीट टेलविंड सीएसएस का कोर्स बना दिया जाए। और इस टेलविंड सीएसएस के कोर्स की खास बात ये है कि ये फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे बना हुआ है। यानी मैं आपको 3 से 4 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आपको बनवाऊंगा और उन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को अगर आप बना लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 7 से 8 दिन के अंदर ज़रूर से टेलविंड को सीख जाओगे, क्योंकि टेलविंड सीखना कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको सीएसएस का नॉलेज पहले से नहीं है तो मैं बोलूँगा कि भाई पहले आप लोग सीएसएस सीख लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली टेलविंड पे स्विच करते हो ना तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्योंकि दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि सारे जितने भी क्लासेस हैं ना वो सीएसएस के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके नाम पे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉक्स साइजिंग का बॉक्स कंटेंट हो गया, उसी तरीके से अगर फ्लेक्स का देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन बेसिस, तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगी तभी तो आप क्लासेस को यूज़ कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले सीएसएस का जितना भी कोर्स है उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर स्विच कर लीजिए। और अगर आपको सीएसएस के प्रोजेक्ट्स चाहिए जो कि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने एक डेडिकेटेड पूरा यहाँ पे फिग्मा का डिज़ाइन आपको दे रखा है, तो आप सिंपल जाके इनको बना सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया चैनल पे, आप जरूर से जाके चेकआउट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिक्वायरमेंट की जो कि आपको टेलविंड सीएसएस सीखने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पहले से अगर सीएसएस मुझे पता है तो मैं क्यों टेलविंड सीखूँ, इससे बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको कम सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा, और कम सीएसएस का कोड लिखोगे तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को, ठीक है। और अगर मैं इसके गेट स्टार्टेड पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस देखने को मिलेगा। तो ये जो यूटिलिटी क्लासेस क्या होते हैं, आपको सेम मिलते हैं हर जगह। अगर आप टेलविंड का सीएसएस का कोड कहीं पर भी देखोगे तो ऐसे ही क्लासेस यूज़ होंगे। तो इस वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो क्लास नेम है प्रोजेक्ट वाइज उसे याद नहीं करना पड़ता, और आपको अगर नया क्लास नेम सोचना है तो वो भी नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको यूटिलिटी क्लास का ही यूज़ करके स्टाइलिंग करना होता है। और एक बेनिफिट और भी मिलता है कि अगर मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं जो कि टेलविंड पे पहले से लिखा गया है, ठीक है, और अगर आप नए बंदे हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं काम करने के लिए, तो आप पहले दिन से ही उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग यहाँ पे क्लास नेम को रीड नहीं करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको यूटिलिटी क्लासेस को ही एडिट करना है, जो कि काफ़ी आसान होता है। अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे दे दूँ, और अगर आपको टेलविंड जरा सा ही पता है तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट एडिट करना शुरू कर सकते हैं पहले दिन से। तो ये भी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है टेलविंड सीएसएस में। और एक और फ़ायदा ये भी मिलता है कि जो टेलविंड सीएसएस है ना, इसमें आपको कस्टमाइजेशन भी काफ़ी मिलते हैं, और इसका जो कोड है वो काफ़ी सारे वेबसाइट पे पहले से लिखा हुआ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये डेजी यूआई सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट है पहले से ही बने हुए हैं, तो आप इन कंपोनेंट का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो क्लासेस है मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो मेरा टेलविंड सीएसएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा बेनिफिट है जो कि आपको टेलविंड सीएसएस सीखने के बाद मिलता है, ठीक है। तो वो मैं आपको कोर्स के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो होप से मैंने आपको मोटिवेट कर ही दिया हो कि टेलविंड सीएसएस क्यों सीखना चाहिए। तो कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ज़रूर से आप फुल कोर्स को इन्जॉय करिएगा अगर आप लोग एचटीएमएल सीएसएस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।